वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। इजराइल में सियासी संकट फिर एक बार उबाल मार रहा है। हालात ये हैं कि सरकार गिर चुकी है। अब इन सब के बीच में नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिल गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3.5 साल में इजराइल में अब 5वीं बार चुनाव हो सकते हैं। अपने आप में ये सियासी संकट को तो दर्शा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ संकेत दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव कैसा होगा। इजराइल में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटाकर गठबंधन सरकार चला रहे नफ्ताली बेनेट की सरकार का जाना तय हो चुका है। 3.5 साल के अंदर इजराइल में ये 5वीं बार चुनाव होने तय हैं। तब तक कुछ दिनों के विदेश मंत्री यायर लापिदा प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। सोमवार को इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री यायर लापिद ने संयुक्त बयान जारी किया था। संयुक्त बयान में कहा गया कि बेनेट और लापिद इजरायली संसद को भंग करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे। इसके बाद अक्टूबर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। गठबंधन के दौरान हुए समझौते के मुताबिक चुनाव के बाद नई सरकार आने तक लापिद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। बता दें, अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन का अभिवादन बेनेट नहीं बल्कि लापिद करेंगे। बेनेट और लापिद ने एक बयान में कहा, एक बार मंजूरी मिलने के बाद रोटेशन को व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। बता दें कि नफ्ताली बेनेट इजराइल के दक्षिणपंथी यमीना पार्टी के प्रमुख हैं। इसे 2019 में बनाया गया था। यायर लापिद यश अतीद नामक लिबरल पार्टी के नेता हैं। लापिद ने 2012 में पार्टी बनाई थी। इससे पहले बेनेट ने शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल गली बहराव मायरा से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वेस्ट बैंक के आपातकालीन बिल को 30 जून की समय सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उनके पास बिल पारित करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बेनेट और यायर लापिद ने फैसला किया कि संसद को भंग करना बेहतर होगा, जो ऑटोमेटिकली वेस्ट बैंक में सुरक्षा नियमों का विस्तार कर देगा। न्याय मंत्री गिदोन साद ने गठबंधन में संसद सदस्यों द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को सरकार के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव का लक्ष्य नेतन्याहू को सत्ता में लौटने से रोकना होगा। वहीं टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट की सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी समय से सरकार में शामिल सांसदों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। दरअसल बेनेट सरकार में शामिल एक अरब पार्टी सरकार के काम करने से नाराज थी। उसका आरोप था कि फिलिस्तीन के बस्तियों में यहूदी नागरिकों को बसाया जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू के पास अब भी एक मौका बचा है। नेतन्याहू मौजूदा संसद के भीतर एक वैकल्पिक सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं। ये तब होगा जब गठबंधन के सदस्य पक्ष बदल दें और नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गुट में शामिल हो जाएं। इससे पहले सोमवार को बेनेट की सरकार ने गठबंधन के विद्रोह के बावजूद सोमवार दोपहर को संसद में 2 अविश्वास मतों को 57-52 मतों से हरा दिया था। कुल मिलाकर इजराइल में मौजूदा सरकार गिर चुकी है और बहुत जल्द 3.5 सालों के अंदर यह 5वीं बार चुनाव होगा। हालांकि नफ्ताली बेनेट की कोशिश होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू को वापस सत्ता में ना आने दिया जाए। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।